أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا आज का जो मज़मून है उसका जिक्र अमलन उस तिलावत कुरान करीम में गुजर चुका है जो आपके सामने पेश की गई थी, और कुछ उसका असर, कुछ मसीह अलैहिस्सलाम के कलाम का असर, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ भराई हुई है, मगर ये वक्त की मजबूरी है, मैं इंशाल्लाह इस पर काबू पा लूँगा। सबसे पहले मैं आपके सामने इस इजलास की हाजिरी से मुतल्लिक कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ। ये सब अल्लाह के फजल हैं जिस पर बेख्तियार हमारे दिल से अल्हम्द की आवाज़ निकलती है। इस जलसे में खुदा के फजल के साथ 40 ममालिक से ख्वातीन शिरकत कर रही हैं। जर्मनी से आने वाली ख्वातीन की तादाद तो हजार से तजावज कर चुकी है, और उनका शुमार हमारे बस में नहीं रहा, इसलिए हमने महफूज अंदाज़ा पेश किया है कि हज़ार से ज़्यादा तादाद में जर्मन अहमदी या पाकिस्तानी जर्मन अहमदी ख्वातीन शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से 241 ख्वातीन के यहाँ पहुँचने की इतला बाकायदा रजिस्टर हो चुकी है, इसके अलावा कुछ हों तो हमें इल्म नहीं। इंडोनेशिया से इन साल बावजूद इसके कि वहाँ बहुत इकतसादी बहरान था, बड़ा काफिला पहुँचा है जिसमें से 20 ख्वातीन का वफद है। फलस्तीन से इन साल सबसे ज़्यादा तादाद में फलस्तीनी अहमदी ख्वातीन शामिल हुई हैं, यानी 25। सबसे ज़्यादा से मुराद है इंडोनेशिया से भी ज़्यादा हैं, मगर इंडोनेशिया बहुत दूर का मुल्क है, और जैसा इकतसादी बहरान वहाँ है वैसा फ़लस्तीन में तो खुदा के फ़ज़ल से नहीं है, मगर फिर भी इनकी तादाद काबिले एहतराम है। 25 की तादाद में ख़वातीन पहुँची हैं, और अल्लाह के फ़ज़ल से सारी इखलास के रंग में रंगीन हैं, और यहाँ एक नया रूहानी इनकलाब बरपा हो रहा है, और उम्मीद रखता हूँ मैं इंशाल्लाह कि इसके नतीजे में बाकी फ़लस्तीनी साबिका अहमदी ख्वातीन की भी अच्छी तरबियत हो सकेगी। अमरीका से 100 और कैनेडा से 88 की तादाद में ख्वातीन के अब तक पहुँचने की इत्तला मिल चुकी है। इसके अलावा नॉर्वे, हॉलैंड, कजाकिस्तान, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, कीनिया, हिंदुस्तान, जापान, मॉरिशस, युगेंडा, ऑस्ट्रेलिया, सेनेगाल,
बुर्किना फासो, नाइजीरिया, सऊदी अरब, डेनमार्क, फ्रांस, बेल्जियम, पोलैंड, घाना, यूएई, हांगकांग, इटली, आयरलैंड, थाईलैंड, बोस्निया, तंजानिया, बांग्लादेश, गैम्बिया, स्पेन, यमन, न्यूजीलैंड, अम्मान और साउथ अफ्रीका वगैरह से मुख्तलिफ तादाद में ख्वातीन को इस जलसे में शिरकत का मौका मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ा एक नुमाइंदा वफद है जो दुनिया भर के ममालिक से तशरीफ लाया हुआ है। जिन आयात की तिलावत की गई थी उन्हीं के तसलसल में मैं हज़रत अब्बस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद मसाहे आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज मुख्तसर होते हैं मगर बहुत गहरा असर करने वाले। उनकी गहराई में जितना भी डूबते चले जाएं, उनकी कोई अथाह नहीं, किसी जगह पहुँच के आप कह नहीं सकते कि उसमें इरफान का किनारा मिल गया है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान है जो आपके अल्फाज में से भी अल्फाज से भी जलवागर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान बाज़ औक़ात बेख्याली में अल्लाह ताला की खुशनूदी की कोई बात कह देता है जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसके बे इंतहा दर्जात बुलंद करता है। बेख्याली में भी जो बात निकलती है दरअसल उसका नफ्सियात से गहरा ताल्लुक है। सोचे समझे मंसूबे के बगैर ही जब इंसान बेख्याली में कोई बात करता है तो गौर करके देखें उसका ताल्लुक इंसानी नफ्सियात से है। दिल में वो अच्छी बात होगी तो बाहर आएगी, तो अल्लाह ताला उसकी कदर फरमाता है और बहुत दर्जात बुलंद करता है। और बाज़ औक़ात लापरवाही से एक बात कर बैठता है जिसके मुतल्लिक इरादा उसके पीछे इरादा नहीं होता मगर बेख्याली में बात करता है। यहाँ भी वही मसलियत है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा नफ्सियात का कोई माहिर नहीं था। बस आप मुतनबे करते हैं कि तुम बेख्याली में जो बातें करते हो बस औक़ात उसकी जड़ें दिल में पैदस्ता होती हैं। उस वक्त अगर खुदा तआला की तरफ से के मुतल्लिक कोई नापसंदीदा बात करोगे तो फिर अल्लाह ताला उसको नोट करेगा और बाद दफ़ा उसी के नतीजे में सजा दी जाएगी। इसलिए खूब अच्छी तरह अपने दिल को टटोल के देखा करो कि सब नेकियों की जड़ दिल ही में होती है और तकवा की सच्ची जड़ भी दिल ही में है। हजरत उकबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि निजात कैसे हासिल हो। आपने फरमाया, अपनी ज़ुबान रोक कर रखो, तेरा घर तेरे लिए काफ़ी हो यानी हिर्स से बचो, अगर कोई गलती हो जाए तो नादिम होकर अल्लाह ताला के हुज़ूर गिड़गिड़ा कर माफ़ी तलब करो। निजात के हसूल की जो तीन निजात के हसूल के जो तीन ज़रिए हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं उनमें एक है ज़ुबान रोक कर रखो। मतलब यह है कि जब ज़ुबान से कोई बात कहना चाहो तो पहले उसको रोक लिया करो और गौर कर लिया करो। जब वाकई वो बात सच्ची हो, उसमें कोई लगावट ना हो, कोई फितना फसाद, कोई झूठ ना हो, तो फिर वो बात पेश किया करो। और फिर फरमाया, तेरा घर तेरे लिए काफ़ी हो। अब इसमें भी खुदा तआला के फजल से बहुत बड़ी तरबियत के राज हैं। वो माएँ और बाप जिनके घरों में उनके बच्चों को सुकून मिलता है वही घर उनके लिए काफ़ी होते हैं। वो बाहर से भागकर अपने घरों में आते हैं और वहाँ सुकून हासिल करते हैं। तो फरमाया, दूसरों के घरों को बड़ा देखकर उसकी हिर्स न किया करो, तुम्हारा घर ही तुम्हारे लिए काफ़ी होना चाहिए, वहीं जन्नत बनेगी
और वहीं तुम्हारे लिए और तुम्हारी औलाद के लिए निजात के सामान पैदा होंगे। और गलती तो हो ही जाती है, फरमाया गलती हो जाए तो नादिम हो जाया करो, सिर्फ एहसास किया करो कि मुझसे गलती हुई है और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगा करो। हज़रत अबू हुरैरा से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदतरीन आदमी तुम उसे पाओगे जो दो मुंह रखता हो। अब किसी आदमी के दो मुंह तो नहीं हुआ करते, मुराद ये है एक को बात करने के लिए, एक से बात करने के लिए एक मुंह है और दूसरे से बात करने के लिए दूसरा मुंह, गोया दोनों में नुमाया इख्तलाफ पाया जाता है। ये लगता ही नहीं कि एक ही मुंह से दो बातें निकली हुई हैं। उनके पास इनसे इसकी तशरीह में फरमाते हैं, इनके पास आकर कुछ कहता है, दूसरों के पास जाकर कुछ कहता है, यानी बड़ा मुनाफिक और चुगलखोर है। बस अपने मुतलक आप सब जायजा लेती रहें कि बात करते वक्त कहीं इस बीमारी का शिकार तो नहीं हो जाती, एक के पास जाएं तो उससे कुछ और बातें करें उसको खुश करने के लिए, दूसरे के पास जाएं तो उसको खुश करने के लिए उससे कुछ और बातें करें। ये बहुत गहरी बीमारी है जिसकी तरफ हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो दिलाई है। एक हदीस सही बुखारी से ली गई है जो हज़रत हुज़ैफ़ा की है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुगलखोर जन्नत में नहीं जा सकेगा। अब इसमें बस दूसरी बातें भी ज़िमनन बयान हुई हैं। बाज़ हदीसों में से जिक्र मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम में औरतों को ज़्यादा देखा। अब औरतें बेचारी तो ऐसी हैं जिनके पांव तले जन्नत भी होती है, तो वो खुद कैसे जहन्नम में जाएंगी। मगर एक बीमारी ऐसी है जो अक्सर औरतों को लाहक होती है और वो चुगलखोरी है। इसलिए अगर आप चुगलखोरी से पनाह मांगती रहेंगी तो यकीनन अल्लाह ताला आपको उन औरतों में दाखिल नहीं करेगा जिनको ज़्यादा तादाद में जहन्नम में देखा गया है। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, और ये किताब तिर्मिज़ी से हदीस ली गई है। आप फरमाते हैं, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तानाज़नी करने वाला, दूसरे पर लानत करने वाला, फहश कलामी करने वाला, यावा गो ज़बान दराज मोमिन नहीं हो सकता। यानी ये सारी बातें वो हैं जो ईमान के मुनाफी हैं और सच्चे मोमिन के अंदर खुदा तआला के फज़ल के साथ ये गंदी खसरतें नहीं हुआ करती। तानाज़नी करना, दूसरों पर लानत डालना, फहश कलामी करना, यावा गोई, ज़ुबान दराज़ी वगैरह वगैरह। लानत तो कुरान करीम ने भी डाली हुई है और मुबाहले में भी डाली जाती है, मगर वो लानत और रंग की लानत है, यहाँ उसका जिक्र नहीं। बातचीत में रोज़मर्रा की बातों में यूँ ही लानतें डालते फिरना, ये वो आदत है जो सच्चे मोमिन में नहीं हुआ करती। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा मिंबर पर खड़े होकर बआवाज़ बुलंद फरमाया कि ऐ लोगों, तुम में से बाज़ बज़ाहिर मुसलमान हैं लेकिन उनके दिलों में ईमान रासिख नहीं हुआ, उन्हें मैं मुतनब्बे करता हूँ कि वो मुसलमानों को तान तशरीह के ज़रिए तकलीफ़ न दें और ना उनके ऐबों का खोज लगाते फिरें। वरना याद रखें कि जो शख्स किसी के ऐब की जस्तजू में होता है, अल्लाह ताला उसके अंदर छुपे अयूब को लोगों पर जाहिर करके उसको ज़लील व रुसवा कर देता है। अब देखें इसमें कितनी बड़ी हिकमत की बात आपके सामने पेश की गई है, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, उसके ज़रिए से आपके सारे मुआशरे की इस्लाह हो सकती है। फरमाया, अगर सच्चा ईमान हो तो फिर तानो तशरीह ना किया करो। जब तुम तान करते हो, तशरीह करते हो, दूसरों को तकलीफ देते हो तो ईमान दिल से उठ जाता है, और इसका दूसरा नतीजा यह है कि ऐब ढूंढते फिरते हो लोगों के,
जिंदगी का मजा ही रह गया है कि लोगों के ऐप तलाश करना। जब ऐसा करोगे तो इतना भी तो ख्याल करो कि तुम्हारे अंदर भी ऐब हैं जो खुदा की सत्तारी के पर्दे में छुपे हुए हैं। जब तुम लोगों के ऐब निकालोगे तो अल्लाह आप ये पर्दा उठा लेगा, फिर तुम जरूर ये जिंदगी में ये सजा पाओगे कि खुदा की सत्तारी के पर्दा तुमसे उठ चुका है और तुम्हारे ऐब फिर लोगों में दिखाई देने लग जाएंगे जो इससे पहले दिखाई नहीं दिया करते थे। एक रवायत हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु की यह है कि आहुज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई की आंख का तिनका तो इंसान को नजर आता है लेकिन अपनी आंख में पड़ा हुआ शैतीर भूल जाता है। आंख में तो शैतीर नहीं पड़ सकता, भाई का आंख का तिनका नजर आना और अपनी आंख में शैतीर पड़ने का क्या मतलब है? मतलब है जितनी बुराई भाई की दिखाई दे रही है उसकी आंख में, उससे बहुत ज्यादा बुराई तुम्हारी आंख में मुजमिर है, वो छुपी हुई है। उस बुराई को तुम देख नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे अंदर नहा है। तो याद रखो कि ये आदत डालो, अपने नफ्स का मुहासबा करते रहा करो और जब गैर की कोई बुराई दिखाई दे तो फौरन जिस तरह गेंद उछल कर वापस आता है इस तरह तुम्हारी नज़र उछल कर वापस अपने नफ्स का मुतालिया शुरू कर दे और ये खोज लगाए कि वैसी ही बुराई या उससे बहुत ज़्यादा बुराई तो मेरे दिल में नहीं। ये मज़मून वो है जिसके मतलब बहादुर शाह जफ़र को एक बहुत आरिफाना कलाम की तौफीक मिली थी और वो ये है, ना थी हाल की जब हमें अपने ना थी हाल की जब हमें अपने खबर, रहे देखते औरों के ऐबों की नजर। बड़ी अपनी बुराइयों पर जो नज़र तो निगाह में कोई बुरा ना। अगर अच्छी आंख से देखना है तो पहले अपने बदियों की तलाश करो, इतना घबरा जाओगे अपनी बदियों के मुकाबले पर सारी दुनिया अच्छी दिखाई देगी। ये आरिफाना नुक्ता भी दरअसल हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है और इसी नुक्ते को दुनिया के मुख्तलिफ शोरा और अदीबों ने अपने अपने रंग में पेश किया है। अब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कलाम में से कुछ बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये कलाम दरअसल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम की ही तशरीह है, कोई नई चीज़ नहीं है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कलाम पर गौर करके देखें, कुछ भी नई चीज़ नहीं, 100% हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम में डूब कर आपने कहा है। बदी पर गैर की हर दम नज़र है मगर अपनी बदी से बेखबर है। इंसान का क्या हाल है, हर वक्त दूसरे की बदी की तलाश में रहता है और अपनी बदी दिखाई नहीं देती। इस सिलसिले में हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस भी मैं आपके सामने रखता हूँ जो हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदज़नी से बचो क्योंकि बदज़नी सख्त झूठ है। एक दूसरे के ऐप की टोह में रहो, अपने भाई के ख़िलाफ़ तजस्सुस ना करो, अच्छी चीज़ हथियाने की हिर्स ना करो, हसद ना करो, दुश्मनी ना रखो, बेरुखी ना बरतो, जिस तरह उसने हुक्म दिया है अल्लाह के बंदे और भाई भाई बनकर रहो। मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और वो उस पर ज़ुल्म नहीं करता, वो उसे बे यार मददगार नहीं छोड़ता, उसे हकीर नहीं जानता। अपने सीने की तरफ इशारा करते हुए आपने फरमाया, तकवा यहाँ है, तकवा यहाँ है, यानी मकाम तकवा आपका दिल है। एक इंसान के लिए यही बुराई काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई की तहकीर करे। हर मुसलमान की तीन चीज़ें दूसरे मुसलमान पर हराम हैं, उसका खून, उसकी आबरू और उसका माल। अल्लाह ताला तो हर जिस्म की खूबसूरती को नहीं देखता और ना तुम्हारी सूरतों को और ना तुम्हारे अम्वाल को, बल्कि उसकी नज़र तुम्हारे दिलों पर पड़ती है। और
एक रवायत में है कि आमजू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दूसरे से हसद न करो, अपने भाई के खिलाफ जासूसी न करो, दूसरों के ऐबों की टोह में लगे रहो, एक दूसरे के सौदे न बिगाड़ो, अल्लाह ताला के मुखलिस बंदे और भाई भी बनकर रहो। यहाँ एक जिक्र है, एक दूसरे के सौदे न बिगाड़ो। इस सौदे न बिगाड़ने का ताल्लुक एक और बात से भी है, जो ब्याह शादी की बातें होती हैं और रिश्ते तजवीज़ होते हैं और दोनों तरफ से गुफ्तगू चलती है, ये भी एक सौदा है। और बाज़ लोगों को आदत है कि वो अच्छा रिश्ता कहीं होता देख नहीं सकते, और हसद के नतीजे में फिर उस फरीक के पास पहुंचते हैं जिस पर उनका असर हो, और कहते हैं ये जो रिश्ता है इसमें फलां मख्फी दबी हुई खराबी मौजूद है, या इस बच्ची का पहले भी हुआ था, इसको छोड़ा गया था तो क्यों छोड़ दिया गया था, इस तरह भी तवज्जो करो। इस तरह वो लोग सौदे बिगाड़ते हैं, और इसकी आए दिन मुझे शिकायतें मिलती रहती हैं। शायद ही किसी दिन की डाक हो जिसमें ये मज़मून बयान ना हो। इसके नतीजे में मुआशरा दुखों से भर गया है। इतनी तकलीफ होती है सोचकर क्यों बिगाड़ते हैं, उनका हर्ज क्या है? अगर किसी की अच्छी जगह शादी हो जाए तो उसको अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए, मगर बात पाकिस्तान से जर्मनी लिख के बताते हैं कि यहाँ तुमने रिश्ता किया है, इस रिश्ते में ये खराबी है। बाद अमेरिका लिखते हैं, बाद अफ्रीका भी लिख देते हैं, कहीं भी पीछा नहीं छोड़ते। अपनी बच्चियों के लिए दुआ किया करें, अल्लाह नेक इंजाम करे और सबको अच्छे रिश्ते अता फरमाए। जाना तो सब ने खुदा के हुजूर है, मगर अच्छे हाल में जाएं कि जहाँ खुदा की आवाज़ उठ रही हो, या आइए तो हम नफ्सुल मुतमईना तुर्जई इला रब्बिका राज़िया मर्ज़िया फ़ादख़ुली फ़ी इबादी वादख़ुली जन्नती। ए वो रूह हो जो मुझसे राजी हो और जिनसे मैं राजी हूँ, फ़ादख़ुली फ़ी इबादी मेरे इबाद में दाखिल हो जाओ, वादख़ुली जन्नती और मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। यहाँ एक ज़िमनन आपको एक नुक्ता समझाता हूँ जो औरतों के लिए बहुत ही आला दर्जे का नुक्ता है, क्योंकि रूहों की कोई जिन्स नहीं हुआ करती, औरतों की रूहें हों या मर्दों की रूहें हैं, एक ही जिन्स है, और वो जिन्स तानीस में बयान हुई है, या आयत व नफ्सुल मुतमैना तुर्जई इला रब्बिका राज़िया मर्ज़िया। ए नफ्स मुतमैना, अपने रब की तरफ इस हाल में लौट जा कि तू उससे राजी, यानी ए नफ्स मुतमैना जिसका जिक्र औरत के तौर पर किया गया है, अपने रब की तरफ लौट जा इस हालत में कि उसके इबाद में दाखिल हो जा और उसकी जन्नत में दाखिल हो जा। बस ये वो दुआ है जो आपको हर एक के लिए करनी चाहिए, और इसमें आप सब के लिए खुशखबरी है कि ये मर्द औरत की तफरीक सिर्फ इस दुनिया में है, इसकी वहाँ कोई भी हैसियत नहीं रहेगी। सब मर्द सब औरतें एक होकर अपने अल्लाह के हजूर हाजिर होंगे, और जन्नत में जो भी उनके लिए नेमतें हैं वो और मज़मून की नेमतें हैं, उसमें मर्द औरत का कोई जिक्र नहीं। हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तशरीहात में से चंद मैं आपके सामने फिर रखता हूँ। गीबत करने वाले की नस्बत क़ुरान करीम में लिखा है कि गोया वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। अफसोस है कि खुसूसन हिंदो पाक की औरतों में ये बीमारी ज़्यादा है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम मुतनबे कर रहे हैं, अगरचे बाहर की दुनिया में भी होगी मगर नस्बता कम है, सूफियतें हैं, बहुत से काम हैं जिनमें वो फंस कर खुदा तआला के फजल के साथ गरीबत की बीमारी से निजात पा जाते हैं, यानी बैरूनी औरतें अक्सर निजात पा जाती हैं, मगर हिंदो पाक में ये बीमारी बहुत पाई जाती है। और हिंदो पाक से मुराद यहाँ बांग्लादेश भी है। बहरहाल ये भी कह सकते हैं कि एशियाई मिजाज में ये बात दाखिल है। बस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं
गीबत की मजलिस में उनको बहुत मजा आता है। अब ये बात सच्ची है कि नहीं, आप लोग अपने दिल को तोड़ के देख लें। फल मुल्क उठाते हैं, उठाते हैं जब जलसे से फारिग होकर बातों से बैठते हैं और गीबत करते हैं एक दूसरे की, ख्याल भी नहीं करते कि देखो ये कितनी बुरी बात है, जो मौजूद नहीं है वो गोया मुर्दा भाई है। मुर्दा अपने जिस्म का दिफा नहीं कर सकता, जो वह मौजूद नहीं वो अपना दिफा नहीं कर सकता। फिर फरमाया इसी तरह औरतों में दूसरी औरतों पर फख्र करने और शेखी बिगाड़ने की आदत भी अमूमन मर्दों से ज़्यादा पाई जाती है। अमूमन कहकर बड़े इंसाफ से काम लिया है, ये आदत मर्दों में भी पाई जाती है और बाद मर्दों में तो बहुत ज़ोर से पाई जाती है। मगर अगर तनासुब देखें तो बसा औकात आपको यही दिखाई देगा कि औरतों में मर्दों की नस्बत की आदत ज़्यादा है। अपनी कौमियत पर फख्र करना, ये मुस्लिम शब्द के अल्फाज हैं, किसी दूसरी औरत के मतलब कहना कि फलां तो कमीनी ज़ात की औरत है, ये हमसे नीची ज़ात की है। नील अगर गरीब औरत उनमें बैठी हुई हो तो बाज़ दफ़ा अमीर औरतों को जो अपने अच्छे लिबास में मलबूस हों आँखों ही आँखों में ये पैगाम दे देती हैं कि ज़रा इस औरत की तरफ भी देखो, कपड़े कैसे भौंडे हैं। अब ये पैगाम देना तो औरतों को ही आता है, उसका ख़ास सलीका उनको हासिल है, उनके अंदर दबी हुई ये उनका अंदर दबा हुआ मलिका है कि जिसकी कोई नकाली नहीं हो सकती। हल्के से इशारे से बात समझा देती है कि देखो इसके रंगों का इम्तजाज कैसा गंदा है, कपड़े कैसे भौंडे हैं, हाथ देखें जेवर कोई भी नहीं। अब ये बातें तो अक्सर मर्द में नहीं पाई जाती, उनको ख्याल ही नहीं आता कि किसी ने कैसी घड़ी पहनी है, कौन सा जेवर पहना हुआ, इसका वहमा भी नहीं आता। तो जिनको चुगलखोरी की आदत भी हो उनमें ये बीमारी तो बहरहाल नहीं मिलती। ये तो औरतों की खसूसियत है, अल्लाह उनको इस खसूसियत से महफूज रखे। हज़रत अब्दुल मसीह मौऊद अलैहि सलाम ने इन सारी बातों को मलफूजात में बयान फरमाया फरमाते हैं औरतों में चंद उयूब बहुत सख्त हैं और कसरत में हैं। एक शेखी करना कि हम ऐसे हैं और ऐसे हैं, फिर ये कि कौम पर फख्र करना कि फलां तो कमीनी ज़ात की औरत है या फलां हमसे नीची ज़ात की है, फिर ये कि अगर कोई गरीब औरत उनमें बैठी हुई है तो उससे नफरत करती हैं और उसकी तरफ इशारा शुरू कर देती हैं कि कैसे गरीब कपड़े पहने हैं, जेवर उसके पास कुछ भी नहीं, वगैरह वगैरह। फिर फरमाते हैं कुरान करीम की यह तालीम हरगिज नहीं है कि ऐप देख कर उसे फैलाओ और दूसरों से तذکرہ करते फिरो, बल्कि वो फरमाता है तवासो बिसब्र व तवासो बिरहमा, कि वो सब्र और रहम से नसीहत करते हैं। मरहमा यही है कि दूसरे के ऐप देखकर उसे नसीहत की जावे और उसके लिए दुआ भी की जाए, दुआ में बड़ी तासीर है। और वो शख्स बहुत ही काबिल अफसोस है कि एक के ऐप को बयान तो किया, बयान तो 100 मरतबा किया लेकिन दुआ 1 मरतबा भी न की। सादी के एक शेर का हवाला देकर हज़रत मसीह मौऊद फरमाते हैं कि खुदा ताला तो जान कर पर्दा पोशी करता है मगर हमसाया को इल्म नहीं होता और शोर करता रहता है। अब देखें ये कैसी गहरी हिकमत की बात है, खुदा ताला को इल्म है कि घरों के अंदर क्या हो रहा है और वो पर्दा पोशी फरमा रहा है, और हमसाया जिसको पता ही नहीं कि उस दूसरे घर में क्या हो रहा है वो बाहर बैठा शोर मचा रहा है कि इस घर में ये होता है और वो होता है। ये एक ऐसी बद आदत है जो ज़ाहिर व बाहिर है, इससे परहेज करना चाहिए। फिर फरमाते हैं खुदा ताला का नाम सत्तार है, यानी पर्दापोशी करने वाला, चाहिए कि तखल्लुकु बे अख्लाकिल्लाह बनो, चाहिए कि अल्लाह ताला के अखलाक में रंगीन हो और जैसे वो सत्तार है वैसे तुम भी सत्तार बनो। ऐप की हामी ना बनो,
ऐब की इशात और गीबत ना करो। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के अल्फाज में जहाँ एक ही मज़मून के तकरार है, वहाँ कोई ना कोई नया नुक्ता भी ज़रूर बयान फरमा दिया है। इसलिए बज़ाहिर लोग समझते होंगे कि ये एक ही बात की तकरार है, मगर हकीकत में तकरार नहीं है। कोई ना कोई नया नुक्ता ऐसा मौजूद होता है जिसको पेश करने के लिए वो इबारत गौर से पढ़नी पड़ती है। फरमाते हैं, अल्लाह ताला का किसी से रिश्ता नाता नहीं है, उसके यहाँ इसकी भी कुछ परवाह नहीं कि कोई सैयद है या कौन है। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि ये ख्याल मत करना कि मेरा बाप पैगंबर है, अल्लाह ताला के फजल के बगैर कोई भी बच नहीं सकता। किसी ने पूछा, क्या आप भी? फरमाया, हाँ मैं भी। मुख्तसर ये कि निजात ना कौम पर मुनसिर है ना माल पर, बल्कि अल्लाह ताला के फजल पर मौकूफ है। और फजल जो है वो दुआ के नतीजे में नाजिल होता है, और बाज़ दफ़ा बगैर दुआ के भी नाजिल होता है, ये जो अपने बस में नहीं होता। बस दुआ के जरिए कोशिश करते रहें, और खुदा करे कि खुदा का फजल बगैर दुआ के भी आप पर नाजिल होता रहे। हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गीबत का हाल पूछा तो फरमाया कि किसी की सच्ची बात का उसकी अदम मौजूदगी में इस तरह बयान करना कि अगर वो मौजूद है तो उससे बुरा लगे, गीबत है। गीबत से मुराद ये नहीं है कि झूठी बात उसकी धड़कर बयान की जाए, बात सच्ची होगी और इसी सच्ची बात के नतीजे में औरतों में दिलेरी भी पैदा हो जाती है बाज़ दफ़ा, कहती हाँ हम जानते हैं, पक्की बात है। मगर जब वो शख्स जिसके मतलब ये बात कर रहे हैं वो मौजूद हो तो एकदम उनकी ज़ुबान बंद हो जाए। अगर सच्ची बात है तो आप क्यों बोलने की तौफीक नहीं मिल रही? इसलिए ये नफ्स का धोखा है। बात अगर सच्ची हो और गैर हाजिरी में की जाए तो उसी का नाम गीबत है। फरमाया, अगर वो बात उसमें नहीं है जो बयान की जा रही है, वो सच्ची नहीं है, तो इसको बोहतान कहते हैं, इसका नाम गीबत नहीं है। तो सच्ची बात जो आपके जहन में सच्ची हो, जिस उसके इल्म को आगे बगैर महदूद अपने तक महदूद रखने के दूसरों में फैलाना, ये गीबत है। और जो झूठ बोला जा रहा है वो तो सरासर बोहतान है, उसके दो गुना होंगे, गीबत का भी और किसी पर झूठ घड़ने का गुना भी। हज़रत सलाम के मुहावरे देखें कैसे कैसे फेर फेर कर लफ्ज़ों को बयान करते हैं और मुख्तलिफ तमसीलात में बात को बयान करते हुए फरमाते हैं, दिल तो अल्लाह ताला की संदूकची होता है और उसकी कुंजी उसके पास होती है, किसी को क्या खबर कि उसके अंदर क्या सॉरी ये जो छींकें हैं कोई बीमारी की निशानी नहीं है, वैसे तो एलर्जी फैली हुई है मगर ये और वजूहात से आ रही है। दिल तो अल्लाह ताला की संदूकची होता है और उसकी कुंजी उसके पास होती है। तो औरत अपनी संदूकची कुंजी अपने पास रखती है संभाल के, अल्लाह ताला अपनी संदूकची दिल की कुंजी अपने पास ही रखता है, दूसरे को इख्तियार नहीं देता कि वो किसी का दिल खोलते फिरे। फरमाया, किसी को क्या खबर कि उसके अंदर क्या है, तू खामखा अपने आप को गुनाह में डाल तो खुद खामखा अपने आप को गुनाह में डालना क्या फ़ायदा। हदीस शरीफ में आया है कि एक शख्स बड़ा गुनाहगार होगा, खुदा ताला उसको कहेगा कि मेरे करीब हो जा। अब देखें इस ज़मन में ये बात बहुत ही निशान और बहुत ही प्यारी है, और खुदा करे कि सब गुनाहगारों में से हम सब गुनाहगारों से ऐसा ही सुलूक फरमाया अल्लाह ताला फजल का, कि जब गुनाहों को देखते हैं तो लगता है कि ऐसे पहाड़ हैं कि इंसान की बख्शिश का कोई इंतजाम नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह जैसे कामिल वजूद को भी अगर फजल ही बचाएगा तो
तो हम गुनाहगारों का क्या हाल होगा। बार दफ़ा इंसान देखता है अपने गुनाहों को तो जितनी नज़र गहरी जाती है उतना ही मायूस होता चला जाता है। मगर रसूलुल्लाह सल्लम की ये हदीसें हैं जो मायूसी से इंसान को बचा लेती हैं। आप फरमाते हैं एक शख्स बड़ा गुनाहगार होगा, खुदा ताला उसको कहेगा कि मेरे करीब हो जा, यहाँ तक कि उसके और लोगों के दरमियान अपने हाथ से पर्दा करेगा। हाथ से फरादा यद कुदरत से, बीच में कोई हायल नहीं होगा, और उससे पूछेगा कि तूने फलां गुनाह किया फलां गुनाह किया, लेकिन छोटे छोटे गुनाह गिनाएगा। तो छोटे गुनाह कहने की तो इंसान में जरूरत होती है, वो कह देगा हाँ जी मेरे खुदा मैंने बहुत मजे की हदीस है, मैंने ये भी गुनाह किया ये भी गुनाह किया। रसूलुल्लाह सल्लम को फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाएगा कि हर एक गुनाह के बदले 10-10 नेकियों का सवाब तुझे दिया है। अब ये सुनकर उस सुदाई को ख्याल होगा कि छोटे गुनाहों का ही अजर है तो बड़े गुनाह क्यों ना बयान करो, उनका तो हजारों गुना ज्यादा अजर होगा। ये सोचकर वो कहेगा कि अब तो मुझे बड़े गुनाहों गुनाह बयान करने जरूरी हो गए हैं, वो अपने बड़े बड़े गुनाह बयान करना शुरू कर दे। खुदा तो कुछ भी नहीं, गोया खुदा को पता नहीं था। तो मैं तो अंदर खोल के देखो इतने गुनाह किए हुए हैं कि हिसाब में इतना बड़ा गुनाह इतना बड़ा गुनाह, और गुनाह के चक्कर में फंस कर उसका दिमाग ही घूम जाएगा, एक गुनाह से निकलेगा दूसरे गुनाह की बात शुरू कर देगा। फरमाया अल्लाह ताला उसकी ये बात सुनकर हंसेगा, देखो कितनी जरूरत हो गई, बात और हुई थी और कहां से कहां पहुंच गया। फरमाएगा देखो मेरी मेहरबानी की वजह से बंदा दलेर हुआ, अगर मैं मेहरबान ना होता तो इसको कहां ये जरूरत थी कि ऐसी ऐसी बातें करता। फिर उसे हुक्म देगा कि जा बहिश्त के 8 दरवाजों में से जिससे तेरी तबीयत चाहे दाखिल हो जा। अब दुनिया के तसव्वुर में हम समझते हैं कि वह गेट बने हुए हैं, गेट नहीं बने हुए, मुराद ये है कि हर गुनाह के भी कुछ दरवाजे से नजर आते हैं जिनके जरिए इंसान जहन्नम में दाखिल होता है। उसने तो अपनी तरफ से जहन्नम के गेट बनाए हुए थे, अल्लाह फरमा देगा इन सब दरवाजों को मैं जन्नत के दरवाजों में तब्दील कर देता हूं, जैसी पसंद हो जिस राह से चाह तू मेरे करीब आ जा। इस पर एक हदीस है जिसके मुतालिक मुसीम ने फरमाया है, अगर जिसकी सनद नहीं मगर यह हदीस बिल्कुल सच्ची लगती है। खुदा तआला फरमाता है कि मुश्ते खाक रा गर न बख्शम चेकुनम, इस राख की खाक की बुट्टी को अगर मैं बख्शू नहीं तो क्या करूं, मेरी शांति की इस खाक को आसमान तक बर्बाद देगी और अब इसकी बख्शिश मेरे फजल पर ही मुनसर है कि मुझते खाक रहा गर न बख्शम चेकुनम, अगर इस खाक की मुट्ठी को मैं बख्शू नहीं तो और क्या करूंगा। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम बदजनी के ताल्लुक में मौलवियों का हाल बयान करते हुए फरमाते हैं, अगर मौलवी हमसे बदजनी ना करते और सिद्क और इस्तिक्लाल के साथ आकर हमारी बातें सुनते, हमारी किताबें पढ़ते और हमारे पास रहकर हमारे हालात का मुशाहदा करते तो इन इल्जामात का जो वो हम पर लगाते हैं हरगिज़ उन्हें ना लगाते, बल्कि लेकिन जब उन्होंने खुदा ताला के इस इरशाद की अजमत ना की और उस पर कारबंद ना हुए तो उसका नतीजा ये हुआ कि मुझ पर बदजनी की और मेरी जमात पर भी बदजनी की और झूठे इल्ज़ाम और इत्तेहाम लगाने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि बाज़ ने बड़ी बेबाकी से लिख दिया कि ये तो देहरियों का गुरु है,
नमाजें नहीं पढ़ते, रोजे नहीं रखते वगैरह वगैरह, अब अगर वो इस बदजनी से बचते तो उनको झूठ की लानत के नीचे ना आना पड़ता और वो इससे बच जाते। मैं सच कहता हूँ कि बदजनी बहुत ही बुरी बला है जो एहसास के ईमान को तबाह कर देती है और सिद्क और रास्ते से दूर फेंक देती है और दोस्तों को दुश्मन बना देती है। सिद्दीकों के कमाल को हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि इंसान बदजनी से बहुत ही बचे। अगर किसी की नस्बत कोई सूए जन पैदा हो तो कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करे और खुदा ताला से दुआएं करे ताकि इस मासियत और इसके बुरे नतीजे से बच जाए। बाद लोगों को शायद इल्म नहीं कि एक फ़िरका मुसलमानों में मलामती फ़कीरों का भी था, और मलामती फ़कीरों का हाल ये था कि वो समझते थे कि हम अगर गंदे दिखाई देंगे तो इससे हमारी बख्शिश होगी। चुनाचे एक शराब की बोतल में पानी डालकर पास रख लेते थे और घूंट पीते थे और मस्त होते थे, हालांकि वो सिर्फ पानी हुआ करता था। देखने वाले समझते थे कि ये जो बड़ा नेक बना फिरता है शराबी कबाबी है, और जब वो समझते थे कि दुनिया हमें बुरी आंख से देख रही है तो ख्याल करते थे कि अल्लाह अब हम पर फजल कर देगा। सब नफ्स के बहाने हैं। सच्चाई वही है जो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की, इसलिए निजात की राहें किसी और फिरके में उसकी आदात में तलाश नहीं करनी चाहिए। हकीकत में तमाम निजात की राहें आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राहों से वाबस्ता हैं। हज़रत मुस्लिम मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक कौम दूसरी कौम से ठट्टा ना करे, हो सकता है कि जिनसे ठट्टा किया गया है वही अच्छे हों। बाज़ औरतें बाज़ औरतों से ठट्टा ना करें, हो सकता है कि जिनसे ठट्टा किया गया वही अच्छी हों। और ऐब मत लगाओ, अपने लोगों के बुरे बुरे नाम मत रखो, बदगुमानी की बातें मत करो और ना ऐबों को कुरेद कुरेद कर पूछो, एक दूसरे का गिला मत करो। तुम एक दूसरे के चिड़ के नाम ना डालो, ये फिर फुसाक और फुजार का है। हर वो नाम जो प्यार से छोटा कर दिया जाए वो असल नाम से कुछ मुख्तलिफ तो होता है, मगर वो चिड़ का नाम नहीं है। चिड़ का नाम वही है जो छोटा किया जाए और किसी को पसंद ना हो कि मेरे मुतलिक ये कहा जाए। तो ऐसे नाम नहीं लेने चाहिए जिसको सुनकर कोई शख्स चिड़ जाता है। समझते हैं जो शख्स किसी को चिढ़ाता है वो ना मरेगा जब तक वो खुद इस तरह मुब्तला होगा। अपने भाइयों को हकीर न समझो। यहाँ गालिब ने एक लफ्ज छूट गया है, यूँ होना चाहिए था, वो ना मरेगा जब तक वो खुद इस तरह मुब्तला ना होगा। तो ना का लफ्ज यहाँ लिखने में रह गया है। अपने भाइयों को हकीर न समझो। जब कुल एक ही चश्मे से पानी पीते हो तो कौन जानता है कि किसी किसकी किस्मत में ज़्यादा पानी पीना है। यहाँ लफ्ज़ भाई इस्तेमाल हुआ है मगर तमाम ख्वातीन भी इसमें बराबर की शरीक हैं। और बसा अवकात कुरान करीम के मुहावरे से पता चलता है कि मर्द का सीगा इस्तेमाल किया गया है लेकिन औरतें भी उसमें शामिल होती हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में बहुत हिंदू और बद मज़ाहिब वाले लोग भी हाजिर होकर अपनी तकलीफ़ें पेश किया करते थे। एक रोज़ एक हिंदू औरत ने किसी दूसरी औरत का गिला किया कि फलां ऐसी है, फलां मुझे यूं तंग करती है। आपने फरमाया कि देखो ये बहुत बुरी आदत है जो खुसूसन औरतों में पाई जाती है, क्योंकि मर्द और काम बहुत रखते हैं इसलिए उनको शाज़ो नादर ही ऐसा मौका मिलता है कि बेफिक्री से बैठकर आपस में बातें करें। और अगर ऐसा मौका भी मिले तो उनको और बहुत सी बातें ऐसी मिल जाती हैं जो बैठकर किया करते हैं, लेकिन औरतों को ना इल्म होता है और ना कोई ऐसा काम होता है। यहाँ याद रखें, सब दुनिया की औरतें मुराद नहीं हैं, वो ख़ास माशरा है, ख़ास माहौल है, खास सवाल करने वाली का पस मंज़र है जिसको मद्देनजर रख के हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया है।
वो लाइल्म औरतें जो उस माशरे में बकसरत पाई जाती थी उनका जिक्र हो रहा है। हमारा इसलिए सारे दिन का शुगल सवाए गिला और शिकायत के कुछ नहीं होता। हमारा एक शख्स था, उसने किसी दूसरे को गुनाहगार देखकर खूब उसकी नुक्ताचीनी और कहा कि तू दोज़ख में जाएगा। क़यामत के दिन खुदा ताला उससे पूछेगा कि क्यों तुझको मेरे इख्तियार किसने दिए थे? दोज़ख और बहिश्त में भेजने वाला तो मैं हूँ, तू कौन है? तो हर एक इंसान को समझना चाहिए, ऐसा ना हो कि मैं ही उल्टा शिकार हो जाऊँ। अब सिर्फ दो इक़्तबास बाकी हैं और जब ये ख़त्म होंगे तो मैं भी इस खिताब को ख़त्म कर दूंगा, फिर दुआ में आप लोग शामिल हो जाएं, फिर इंशाल्लाह आगे आज का बड़ा भारी दिन है जिसमें शाम की तकरीर में तमाम दुनिया की जमातों की तरक्यात और वो दिलचस्प वाक़ात बयान हुए हैं जो एजाजी शान अपने अंदर रखते हैं, उससे इंशाल्लाह आपके ईमानों को बहुत तकवीत मिलेगी। वो अदाद शुमार का बयान करने का दिन है, खुदा के फजलों को याद कर रहे होंगे, लेकिन आप जानती हैं कि अदाद शुमार के बयान करते वक्त बहुत से लोग तवज्जो खो देते हैं। किसी ने मुकर्रर ने कहा था कि अगर कोई सो जाए तो ये नहीं कहा कि उसको चुटकी काटो, उसने कहा मुझे चुटकी काटो तो मुझे चुटकी तो ना काटे, लेकिन अगर सो जाए तो उसको जगाने की जिम्मेदारी भी तो मेरे ऊपर ही है, इसलिए मैं कोशिश यही करता हूँ, भरपूर कोशिश करता हूँ कि अदाद शुमार के मज़मून को ऐसे वाक़ात से सजाता चला जाऊँ जो आम फहम हों, जो दिलों में मोहब्बत पैदा करें, तहरीक पैदा करें, और खुदा करे कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊँ। तो आज का दिन चूँकि बहुत बोझल दिन है इस लिहाज से, लेकिन बोझल क्या है, अल्लाह ही इन बोझों को खुद उठाता है, हमारा तो नाम लगता है। बच्चों के साथ अभी तो यही शुरू कर बताओ औकात वो जो चीज़ें को देखती हैं उठाओ उठाती खुद है और बच्चों समझता है कि मैंने उठा लिया। हम भी इस लिहाज से बच्चे ही हैं, अल्लाह ताला का फजल चाहिए, वो सारे बोझ हल्के कर देगा, सिर्फ दुआ होनी चाहिए। फरमाते हैं पर ज़ातों पर नाज और घमंड न करो, ये नेकी के लिए रोग का बायस हो जाता है। हाँ ज़रूरी ये है कि नेकी और तक़वा में तरक्की करो, खुदा ताला के फजल और बरकात इसी रास्ते आते हैं। मैं खूब जानता हूँ कि हमारी जमात और हम जो कुछ हैं इसी हाल में अल्लाह ताला की ताईद और उसकी नुसरत हमारे शामिल हाल होगी कि हम सिरात मुस्तकीम पर चलें और आं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल और सच्ची इत्तबा करें, कुरान शरीफ की पाक तालीम को अपना दस्तूर अमल बना दें और इन बातों को हम अपने अमल और हाल से साबित करें ना सिर्फ हाल से। अगर हम इस तरीक को इख्तियार करेंगे तो यकीनन याद रखो कि सारी दुनिया भी मिलकर हमको हलाक करना चाहे तो हम हलाक नहीं हो सकते, इसलिए कि खुदा हमारे साथ हो। और आखिर पर एक फ़िक्रा है, सिर्फ एक ही फ़िक्रा मैं आपके सामने मसीह अरसतम को पेश करता हूँ जो बहुत ही गहरा है, बहुत आरिफाना है। फरमाया पलीत दिल से पलीत बातें निकलती हैं और पाक दिल से पाक बातें निकलती हैं। इंसान अपनी बातों से ऐसे ही पहचाना जाता है जैसा कि दरख्त अपने फलों से। बस आप अहमदियत के दरख्त के फल हैं और खुदा करे कि आपसे अहमदियत इस तरह पहचानी जाए जैसे दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है, और इसमें आपकी सच्चाई का बहुत बड़ा दखल है। दरख्त का फल तो सच्चा होता है, अपने दरख्त के अंदरूनी असरार बयान कर देता है। अगर मीठा फल है तो पता लगेगा कि वो दरख्त ही मीठा है। खुदा करे कि आपका मीठा फल सबकी नज़र में आ जाए और इसमें कोई झूठ और कोई तसन्न न हो। वाकयतन जमात अहमदिया ही एक दरख्त है जिसको मीठे फल लगते हैं। अल्लाह करे कि आप
आपको मेरी इन बातों की समझ आए और ये आपके दिलों की गहराई तक उतर जाएं, क्योंकि मेरी बातें क्या हैं, ये हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं, और वो बातें हैं जो मसीह मौऊद अलैहि सलाम ने हज़रत के फैज़ से समझी हैं। खुदा करे कि ऐसा ही हो। आइए अब मेरे साथ दुआ में शामिल हो जाएं। Assalamu alaikum wa rahmatullah.